नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे और आज की हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इस पूरे टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी लेके साथ में बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट कंटेंट्स और नोट्स आप अपनी पूरी कॉपी और नोट्स में रख पाएँ ताकि फ्यूचर में रिविज़न करने के काम आए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जो कंसिस्ट करता है नोज फ्रेनिक्स लैनिक्स एंड ट्रैकिया ब्रोंकी ब्रोंकॉइल्स एंड लंग्स ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है कंसिस्ट करता है स्ट्रक्चरली दो पार्ट में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका डायग्राम हम आगे फर्दर आने वाली वीडियो में दिखाएंगे जो कि आपको काम आएगा अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से ठीक है इंक्लूड क्या करता है जो आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है नोज होता है फ्रेनिक्स होता है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं जबकि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है लैनिक्स होता है ट्रेकिया होता है ब्रोंकी की होता है ब्रोमकाज होता है और लंग्स होता है अगर हम देखें फंक्शनली अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी फर्दर दो पार्ट्स में कंसिडर करते हैं एक होता है कंडक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको डेड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है और एक होता है रेस्पिरेट रेस्पिरेटरी पोर्शन ठीक है रेस्पिरेटरी पोर्शन इन सबको हम समझ लेते हैं कि देखिए अब क्या होता है कि जो डेड पोर्शन होता है वहाँ कोई रेस्पिरेशन नहीं होता है जबकि रेस्पिरेटरी पोर्शन में रेस्पिरेशन होता है ठीक है लेकिन ऑर्गन क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं कंडक्टिंग और डेड पोर्शन वाले में उसमें नोज होगा फ्रेनिक्स होगा लैनिक्स होगा ट्रैकिया होगा ब्रोंकी होगा ब्रोंकर्स होगा हो हो अब इतने सारे ऑर्गन होने के बाद भी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं कर रहे बट जो भी फंक्शन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके रेस्पिशन वाले पार्ट में क्या करते हैं ये फिल्टर करते हैं पहले तो कोई भी डस्ट एंड ऑल को फिल्टर करेंगे ठीक है ग्रेन को फिल्टर करेंगे नॉइस कंडीशन रखते हैं रेस्पिट्री सिस्टम का वार्म रखते हैं कंडक्ट एयर इंटू द लंग्स रखते हैं ठीक है, है और इनके जो डेड स्पेस होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है वो अराउंड वन फिफ्टी होता है फिर रेस्पिरेटरी पोर्शन में क्या होता है इट इज़ अ पोर्शन ऑफ रेस्पिटरी सिस्टम वेयर गैस एक्सचेंज ऑगर यहीं पर मेन रेस्परेटरी सिस्टम वर्क करता है इट इंक्लूड रेस्पिरेटरी ब्रोंकॉल्स एलवीरो सेक एंड ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन रेस्परेटरी पोर्शन कितना होता है अराउंड फाइव टू सिक्स लीटर ठीक है तो ये था आपका पूरा रेस्परेटरी सिस्टम के बारे में जनरल रोल व्यू अब आगे बढ़ते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स जो हमने बताया था उसमें पहला आता आपका नोज ठीक है तो अब नोज़ क्या होता है नोज इज़ द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय द स्पेक्ट्रम इनटू टू इक्वल पासेस ठीक है नोज इज लाइन विद द सिलिएटेड कॉम्युलर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ व्हिच कंटेन म्यूकस व्यूकसटिंग ग्लोबलेट सेल्स ये नोट कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबिलेड सेल्स जो होते हैं वो सिलिएटेड कॉम्युलर एपिथेलियम की वजह से लाइनिंग फॉर्म करते हैं ठीक है क्रॉनिक एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज रीनिटिस ठीक है ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन में और क्रॉनिक

नोज uh, पे जो वाटर आता है जब आपको जुकाम वखाम होता है विच ड्रेन ड्रेन टीयर फ्रॉम आइज टू नोज ठीक है वन ऑफ द एक्सटर्नल अपेचर ऑफ द नोज एस नोस्ट्रिल और नेयर ठीक है ये इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल अपेचर को क्या कहा जाता है नेयर और नोस्ट्रिल फंक्शन क्या होता है नोज टू वार्म फिल्टर क्लीन ह्यूमिडिफाई एंटरिंग एयर एंड फंक्शन ऑफ दिस स्मेल दैट इज ऑल Nose content olf olfactory receptor, which gives sense of the smell in the epithelium, epithelium called as olfactory epithelium. Okay, now fiber jote of olfactory receptor passes through the cerebr cerebriform that is sieve-like plate of the ethomedium bond to form olfactory tract. Sense of the smell is perceived in the olfactory area of the cerebral cortex in the temporal lobe. Okay. और जो कंड कंडल ऑक्शन होता ऑफ द पासिस बिटवीन द नोज एंड्रेनिक्स बाय द बोन ऑफ द मेमरल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोनर एंड एंट्रेसिया ओके ये चीज़ है आपका नोज़ के बारे में नोज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, है बट अगर इसमें मेजर फंक्शन अगर देखे जाए तो इसमें क्या होता है एक दो पार्ट में डिवाइड होता है बाय द स्पेक्ट्रम इसमें लाइनिंग होती है और इसमें हेयर्स होते हैं है जो कि पॉन्सिबल होते हैं आपके डस्ट एंड ऑर्गन को रिमूव करने के लिए ठीक है और इसको फोर पार्ट्स में साइनस होता है तो उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे ठीक है और आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे फ्रेनिक्स के बारे में ठीक है फ्रेनक्स जो है बहुत ही आपका अगर देखा जाए तो ये आ, एक फ्यूनल सेप का स्ट्रक्चर होता है थर्टीन सेंटीमीटर का कॉमन पास के थ्रू फ्रॉम फोर एयर टू द नेचुरल कैविटी इंटरनल नेयर टू द फ्रेनिक्स टू द लेनिक्स एंड टू फॉर्म टू फॉर्म फूड फ्रॉम द माउथ टू दॉसल फिगर्स इट लाई बिहाइंड नेचुरल एंड ओरल कैविटी इंटीरियर ऑफ द सरिब्रम वर्टिब्रा टिल फोर सर्वाइकल वर्टिब्रेट ओके फोर सर्वाइकल वर्टिब्रेट तक ये लाई करता हैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री एनाटोमिकल रीजन ठीक है पहला जो रीजन रीजन है वो आपका बहुत uh, है नेजोफ्रेनिक्स ठीक है लाई बिइंड द नोज ठीक है ऑन द लेटर वॉल देर आर टू ओपनिंग ऑडिटरी ट्यूब फ्रॉम बोथ मिडल ईयर ऑन द पोस्टीरियर वॉल देयर इज अ फेरेंगल टॉन्सिल टिश्यू ठीक है तो यह था पूरा के बारे में और आगे बढ़ते हैं और जैसे ओरोक्स के बारे में पढ़ते हैं ठीक है इसके बारे में पढ़ते हैं इट इज दार्ट ऑफ द फ्रेनिक्स लाई पोस्टेरियर टू द ओरल कैविटी ठीक है पोस्टेरियर मतलब ओरल कैविटी के ठीक है दिस पोर्शन है फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्परेशन इन दोनों में काम आते हैं रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव में ठीक है इट 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 लाइंड विदर्टिफाइडीलियम बिकॉज देर आर चांस ऑफ अब्रोशन बाई द फूड ठीक है ठीक लोकेटेड इन द रूट ऑफ द टंगे नोट कर लीजिएगा ये था पूरा आपका फ्रेनक्स के बारे में और रेनेंगो फ्रेनिक्स जो होता है इट ओपन इंटू दस पोस्ट्रियली एंडली ठीक है ऑसोफेगस में पोस्ट्रियली और रेनेक्स में एंट्रेडी ठीक है लाइज और फ्रेन इट्सो हैज बोथ फंक्शन एंड ऑल्सो लाइन वा दर्टिफाइडीडियम ओके अब अ मास ऑफ अ लिम्फॉर्ड टिश्यू कलेक्शन ऑफ अ लिम्फॉइड इन ऑल द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द म्यूकस मेमरल ऑफ द फ्रेनिक्स एंड द बेज ऑफ द टंग इज कॉल्ड एज टॉन्सिल तो टॉन्सिल का जनरल डेफिनेशन यहाँ पे है इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है और जो पैलेटाइन टॉन्सिल फेरेंगल टॉन्सिल एंड लिंग टॉन्सिल फॉर्म्स अ रिम ऑफ इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव टिश्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म ठीक है और ये किस किस से बना होता है पर्टिकुलर थ्री सिस्टम से और एलिमेंट से बना हुआ है तो ये पूरा आपका था आपका फ्रेनिक्स के बारे में अब हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे लाइनक्स के बारे में जिसको हम वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी कहते हैं ओके तो अगर देखा जाए तो वॉइस बॉक्स के बारे में है ये दैट इज लरक्स ठीक है तो इट इज़ अ शॉर्ट पैसेज पासज कनेक्ट लरेंग लरेंगो फ्रेनिक्स विद द ट्रेकिया एक्सटेंड फ्रॉम फ्राम सर्वाइकल वर्टिब्रेट ऑफ सी फोर टू सिक्स सिक्स ठीक है और जो आपका वॉल ऑफ दम्पोस्ट ऑफ द नाइन पीसेस कार्टेज का होते हैं दे आर थ्री कार्टिलेज इन द पेयर ठीक है ये जो आपका है थ्री कार्टिलेज इन द पेयर सच एस फॉर्म कॉर्निकुलनेट एंड आर्टिनटनाइड्स ठीक है टोटल छः होते हैं और जो ये होते हैं ये पेयर में होते हैं तो तीन हैं तो हो गए और यहाँ पे ये थ्री कार्टिलेज आर सिंगल होते हैं तो टोटल सिक्स होते हैं द साइज ऑफ द लर्निंग्स इन द मेल जो लर्निंग्स होता है इन द मेल आर लार्जर देन देन ऑफ द फीमेल ड्यू टू द लार्जर थोरॉइड कार्टिलेज एडम शेप एडम ऐप्पल ठीक है एडम एप्पल वी शेड फॉर्म होता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन्स विच कॉजिस डीप वॉइस इन द मेल और इसी की वजह से जो हम मर्द होते हैं उनकी आवाजें जो होती हैं वो बहुत ही डीप होती हैं द लेरेंगल प्रोमिनेंस फॉर्म बाय द टूल लेमिनाई ऑफ द थॉर्ड कार्टिलेज एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया इन द फ्रंट ऑफ द नेक कॉल्डेस एडम ऐप्पल एडम ऐप्पल ठीक है वी शर्ट स्टेज ठीक है जस्ट अबो दी एडम एप्पल वी शेप्ड नॉच नोन एज थर्यड नॉच ठीक है तो वी वी शेड शेप बनता है अबो दी एडम एप्पल उसको हम कहते हैं थर्यड नॉच उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसी का कंटिन्यूएशन में जो दिया हुआ है उसी को कवर करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको ठीक है तो द म्यूकस मेमरन ऑफ द लैनिक्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अ फोल्ड सुपीरियर पेयर कॉल्ड एज फॉल्स वोकल और जो इन्फीरियर uh, होगा उसको हम कहते हैं वोकल उसको कहते हैं ट्रू वोकल और वोकल फोल्ड द साउंड ओरिजिनेट फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कोड और जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा लाउड आपकी वॉइस होगी तो ये था पूरा आपका लेंस के बारे में जो कि वॉइस बॉक्स के बारे में ठीक है थीके? और ये है यो जो स्ट्रक्चर जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है तो इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है अभी देख सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपर में नोज़ एंड ऑल जो बताया था मैंने आपको वो आते हैं और लोअर में आपका उसगर्स तो ट्रेक किया ये सब वॉइस बॉक्स एंड ऑल आगे आपके ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसी में आपका एक इंपॉर्टेंट जो मैं मिस कर रहा था उसको कवर कर लेते हैं वो है आपका ये इपिग्लोटिस ठीक है द अपर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ लेन को कहते हैं ठीक है लोकेटेड इमिडिएटली पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ द टंग रूट ऑफ द टंग मतलब जहां से टंग स्टार्ट हो रही है उसी के यहाँ पे इसको पाया है मिलता है ठीक है इट कवर द एंट्रस ऑफ द इंडिविजुअल स्वेलो दैट इज फूड दस प्रिवेंटिंग द फूड और द लिक्विड एंटर इन द एयरवे मतलब ये जो आपका विंड पाइप होता है उसमें जाने से ये रोकता है क्या ये पर्टिकुलर ऑर्गन ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है ठीक है मैं भूल रहा था तो मैं सोचा इसको कवर कर लूँ क्योंकि ये कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए ठीक है धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे ठीक है अब हम देखते हैं ट्रैकिया और विंड पाइप ठीक है अब ट्रैकिया जो होता है अराउंड ट्वेल्व सेंटीमीटर का होता है ठीक है और टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डायमीटर में होता है ट्यूबिकल पासेज होता है किस चीज़ का फॉर द एयर लाइज एंटीरियर टू दिगर्स ऑल ऑफ ट्रैकिया कंपोस्ट ऑफ फोर लेयर ऑफ टिश्यू ठीक है मिकोसा म्यूकोसा, हाइड्रोलिन कार्टिलेज एंड एडवेंटीटिया ओके ये चार लेयर का बना होता है क्या आपका ट्रैकििया डेट इज पाइप मिकोसा ऑफ ट्रैकिया कंसिस्ट ऑफ असीलिएटेड कॉलोम इपिथिलियम ठीक है इपिथिलियम होता है एंड एडवेंटिटिया कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जबकि वॉल ऑफ ट्रेकिया मेली कंपोस्ट ऑफ सिक्स टू ट्वेंटी इनकम्प्लीट सीप्ड रिंग ऑफ हाइड्रोलिन कार्टिलेज तो ठीक है ये नोट कर लीजिएगा करिएगा इनकम्प्लीट सी शेप्ट रिंग ऑफ द हाइड्रोलिन कार्टिलेज से बना होता है वॉल ऑफ द ट्राइकिया ठीक है दिस रिंग मे बी फेल्ट जस्ट इन्फीरियर टू रेनेक्स द ओपन पार्ट ऑफ सी शेप्ट रिंग आर पोस्टीरियर ठीक है टूअर्ड दिग्स एट्टी फाइव इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस ओके तो ये था आपका ट्रैकिया के बारे में और विंड पाइप के बारे में और विंड पाइप के बारे में ठीक है आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं ब्रोंकी ब्रोंकल्स और एलविलॉय ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे है आप इसको नोट कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ये रेस्पिरेटरी यूनिट पूरा है आपका एलविलोडक्ट है।, है, है जो कि क्रॉस सेक्शन में कैपिलरीज हैं ये आपकी और एलविलो है जो क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा है जो ये पोस्ट लाइक स्ट्रक्चर हैं लंग्स के अंदर ब्रॉन्कल्स हैं और पिलिमिनरी प्लुम्... आ... वीनस ब्लड्स हैं और पिलीमिनरी आर्टेरियल ब्लड्स हैं जो कि आपकी ब्लड की सप्लाई को डिनोट कर रहा है ठीक है अब हम आ जाते हैं आपके इसी पार्ट को स्टडी करते हैं डिटेल में ठीक है तो अगर देखेंगे तो एट्टी फाइव ट्राई किया डिवाइड इंटू राइट इज प्लिन इंटू द राइट लंग ओके लेफ्ट वाला जो होता है ब्रॉन्कस गोस इंटू द लेफ्ट लंग ठीक है अब किसी बारे में ट्रेक किया के बारे में जो आपकी विंड पाइप आ रही है ठीक है उस चीज के बारे में द राइट प्राइमरी ब्रॉइंक ब्रोंकस इज मोर वर्टिकल शॉर्टर ठीक है एंड वाइडर कौन सा राइट प्राइमरी वाला ठीक है देन द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस सो एस्पेराइट ऑब्जेक्ट कैन लॉज इंटू द प्राइमरी एक्सपिरेटेड ऑब्जेक्ट कहने लॉज इंटू द प्राइमरी ब्रॉकर्स ओके तो ये नोट कर लीजिएगा तो द पॉइंट वेयर द ट्रैकअर डिवाइड इंटू टू ब्रॉन्की कैरिना ऑफ ट्रैकिया जहाँ पे आपका जो ये पॉइंट जहाँ पे ट्रैकिअ डिवाइड होता है इंटू टू ब्रॉन्काइज उसको कैरिना ऑफ ट्रैकिया कहा जाता है म्यूकियस मेमर ऑफ कैरिना इज मोर सेंसिटिव किसका म्यूकस मेमरन ऑफ कैरिना इज मोर सेंसिटिव टू द ट्रिगरिंग ऑफ अफ्लेक्स ठीक है उसके बाद आपका आता राइट प्राइमरी ब्रोंकी ब्रोंकस अगेन डिवाइड इनटू द थ्री सेकेंडरी ब्रोंकिज बिकॉज द राइट लंग हैज़ थ्री लोब्स ठीक है लंग्स के बारे में लंग्स के पास थ्री लोब्स होते हैं कौन से राइट वाले पार्ट के लेफ्ट वाला डिवाइड इंटू टू सेकेंडरी ब्रोंकी बिकॉज लेफ्ट लंग हैज़ अ टू लोब्स ठीक है सेकेंडरी ब्रोंकिज अगेन डिवाइड इंटू स्मॉलर ब्रोंकी कौन सा वाला जो सेकेंडरी ब्रोंकी होती है वो कॉल्ड एस टर्शरी ब्रोंकी इज सेडिमेंटल ब्रोंकी राइट लंग हैव टेन टर्शरी ब्रोंकी राइट लंग टेन टर्शरी ब्रोंकी वेर इज द लेफ्ट लंग के पास होते हैं एट टर्शरी ब्रोंकी ठीक है ब्रोंकी टर्शरी ब्रोंकी डिवाइड अगेन एंड अगेन इनटू द ब्रोंकॉइज टर्मिनल ब्रोंकॉल डायमीटर लेस देन वन एम एम जो टर्मिन मतलब तो एंड के होते हैं और रेस्परेटरी ब्रोंक डायमीटर जो होते हैं जीरो पॉइंट फाइव एम और लेस होते हैं डक्ट जो की जो मेजरमेंट होती है वो आफ्टर ट्वेंटी फाइव डिवीजन ऑफ द ट्रेकिया ठीक है एलवोडक्ट बनते हैं एलवर एंड एलविलोई आर टाइनिश सेक लाइक स्ट्रक्चर ठीक है एक छोटी छोटी बोरी टाइप की स्ट्रक्चर बनते हैं को कहा जाता है आपका एलवोरोसेक और एलवो ठीक है उसके बाद आपका आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई ब्रोंकाइ एलवोडक्ट एंड एलवोरोक एलविलोइ कॉल्ड एस रेस्पिरेटरी यूनिट तो इन चारों को कहा जाता है रेस्पिरेटरी यूनिट काइंडली नोट इट ठीक है gases exchange occur at the respiratory unit and the respiratory unit are what this above four parts are the elements The respiratory unit made by the the wall of respiratory unit made by a single cell called a simple squamous epithelium lungs contain about 300 million alveoli providing 70 meter square surface area for the lung for the gas exchange कैन इमेज इन द अमाउंट ऑफ सर्विस एरिया एंड इज दूविंग हेड दट इज और एल्विलॉय कंसिस्ट ऑफ टू एपिथिलियन सेल इज टाइप सेल ओके एंड टाइप टू एलवोरोल तो हम इन दो, इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डिस्कस जानना जरूरी है क्योंकि ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं टाइप वन एल्विलोरोल नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ सेल को कंसिस्ट कर, में होता है कंसिस्ट ऑफ स्केमस टाइप सेल विच कॉसिस गैस एक्सचेंज एक गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एल्विलो सेल टाइप जो टू होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों हो जाता है मैं अभी आपको समझाता हूँ बट ये फाइव परसेंट इन दई सेल्स में होते हैं कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉटल्स टाइप सेल विच सीक्रेट्स एल्विलोरो फ्लूड एंड सर्फिकेंट अभी क्यों जरूरी होता है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताऊँ अगर टायर है ठीक है टायर है चाहे मान लीजिए एग्जाम एग्ज़ाम्पल लेके चैन ले लेते हैं किसका साइकिल का साइकिल का चेन लिया आप अगर उसमें हम ग्रीसिंग नहीं करते हैं तो वो रफ़ हो जाता है और टूटने का डर होता है तो सेम वे में अगर यहाँ पे अगर सर्फिकेंट्स नहीं होंगे तो वहाँ पे आ, जो आपका फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से हमारे जो लंग्स के ऑर्गन है वो टूट सकते हैं इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी होता है ठीक है बता दिया मैंने और किसके मन बने होते हैं सरफिकेंस और मिक्सचर ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड एंड लिपो प्रो प्रोटीन से बने होते हैं और एक लोवर करता है सरफस टेंशन ऑफ ठीक है एंड द टेंडेंसी ऑफ एलवीलॉइल टू कोलेप्स ठीक है तो ये कोलेप्स होने से बचाते हैं और एबसेंस ऑफ अगर अगर आप देखेंगे अगर इसके एब्सेंस होंगे ना तो क्या होगा कि लंग्स पूरा का पूरा, पूरा कोलेप्स हो जाएगा ठीक है और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है ठीक है ना नॉर्मल सी बात है अगर वहाँ पे लंग्स की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट पड़ रहा है तो कोई ना कोई तो डिसीज कोई ना कोई सिम्टम तो कॉस ही करेगा तो वो कॉज कर, करता है आपका एक पर्टिकुलर एडी ठीक है एंड डेफिशिएंसी ऑफ सर्फिकेंट इन एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहा जाता है तो उसको नोट कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हम लंग्स के बारे में उसके बाद रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे और फिर कुछ डिसीज एंड ऑल कवर करेंगे तो पहले लंग्स के बारे में देख लेते हैं तो लंग्स क्या होता है लंग्स आर दी पेड कौन शेप्ड ऑर्गन इन दिक कैविटी हैविंग एन एपेक्स बेसल कोस्टल सर्फेस एंड मेडिकल सर्फेस ठीक है एपेक्स ऑफ द लंग इज अबाउट वन इंच अबो द मिडल थर्ड ऑफ द कैलवाइसल एंड द बेस ऑन द डाइफ्राम ठीक है द राइट लंग डिवाइड इंटू थ्री सेपरेट लोस कॉल्ड एज सुपीरियर इन्फीरियर एंड मिडल लोब तीन पार्ट में डिवाइड होता है कौन सा राइट लंग लेफ्ट लंग जो होता है वो स्मॉलर होता है बिकॉज ऑफ द हार्ट इज इन साइड द लेफ्ट लंगाइड द लंग्स इट इज स्मॉलर एंड डिड इन टू लोब दैट इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोब ओके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टू तो लेयर ऑफ अस मेमरन कलेक्टिवलीस प्लूमरल मैम्रेन दैट इज प्लूरा एंड इनक्लोज द एंड प्रोटेक्ट दच लंग प्लाना ठीक है ये प्रोटेक्ट करता है आउटर लेयर कॉल्ड एस पेरिटियल प्लूरुला और इनर कॉल्ड एस विस्कुलरल प्लूरा ठीक है द स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड एस प्लाना कैविटी कौन से क्यों? इन दोनों के स्पेस के बीच में जो कि आपका दो लेयर है ना तो टू लेयर सीरियस मेम्ब्रेन कलेक्टोरी कॉल्ड एस प्लूरल मेम्ब्रेन प्लूरा और आपका जो आउटर और इनर प्लूरा के बीच का जो स्पेस होता है उसको कैविटी कहते हैं हम प्लूरल कैविटी प्लूरल कैविटी कंटेन स्मॉल कटिंग लिक्विटी यहाँ भी लिक्विड जरूरी होता membrane, है सीग्रेट बाद दिस मेम्ब्रेन ठीक है मैमरेन को यह भी रोकता है इन्फ्लोमेशन ऑफ द प्लूरल मैमरेन कॉल्ड एज प्लोसी और प्लूरिटीज एक्सेस फ्लूड कलेक्शन इन द्लूरसे प्लूरल इन्फ्लूजन इन्फ्यूज़न और वाटर ठीक है वाटर जिसको हाइड्रोथोरिक्स कहता है ब्लड में अगर हो गया तो हीमोथोरिक्स हो गया अगर पस में हो गया पस भी मतलब फॉर्म करता है जो छोटे छोटे फोड़े टाइप के होते हैं ना जो पस बन जाते हैं तो कहते हैं फाइकोथोरिक्स और इम्फाइमा इसको भी आगे पढ़ेंगे हम इसका डिसीज़ के पास में आएगा आपका ठीक है अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेस्परेशन क्या होता है ना ठीक है रेस्परेशन भी एक पार्ट है जो कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेजर फंक्शन हो जाता है ना आपका तो भी पढ़ना जरूरी है द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इस इन द बॉडी इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेशन ओके और दो टाइप के होते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन होता है इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होगा जो आपकी ब्लड की बॉडी के अंदर होगा जो किसी प्रोसेस को फॉर्म करने में जहाँ पे गैसेस को डिजोल्व करते हैं जब पासिस होता है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू उसको हम कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या होगा कि जो गैसेज बाहर से अंदर अंदर से बाहर होते हैं किस पर्टिकुलर लंग्स uh, के अंदर और ब्लड्स के अंदर में ठीक है उसके बाद आ जाता है आपका साइकिल ऑफ एक्सटर्नल रेस्परेशन जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस इंस्पिरेशन जिसको इन्हीशन भी कहते हैं उसके बाद आप और एक्सपायरेशन और एक्सेशन भी कहते हैं तो इंस्पिरेशन में क्या होता है चाहे इन्हीशन में क्या होता है जो हम सांस अंदर लेते हैं उसी को कहते हैं आपका इन्हीशन ओके okay? ब्रीथिंग को कहते हैं सांस लेने को कहते हैं इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस जहाँ पे एनर्जी लगती है ठीक है और प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ठीक है और इट यूज ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीथिंग ठीक है प्राइमरी इंफरेटरी मसल डाइफग्राम होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं तो डायफ्राम कंट्रेक्शन ऑफ द डाइग्राम रिजपॉसिबल फॉर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ एयर इन टू द लंग्स अगर डाइक्राम्स की वजह से अगर कॉन्ट्रक्शन हो रहा है रिलेक्सेशन हो रहा है वहाँ पे तो वहाँ पर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ जो एयर होता है अंदर जाता है और जो एक्सटर्नल इंटरकोरल मसल्स होती हैं इट यू एलिवेट द रिप रिप को उठाता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एयर टू एंटर ठीक है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द मसल डाइक्राम डिस डाइक्राम वन सेंटी टू सेंटीमीटर वन टू टेन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर नॉर्मल सांस ले रहे हैं आप तो एक सेंटीमीटर अगर आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं लंबी सांस ले रहे हैं तो टेन सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड ठीक है विच कॉजेज इन्लार्जमेंट ऑफ द थॉरिक कैविटी ओके नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को मतलब हर चीज़ का छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइएगा इट रिजल्ट इन द नेगेटिव प्रेशर अब इसकी वजह से जो ये यहाँ पर फंक्शन हो रहा है ठीक है तो वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर बनता है ठीक है कितने अमाउंट का टू एम एम ऑफ एच जी कि नेगेटिव प्रेशर बना अब क्या होता है कि जब नेगेटिव प्रेशर बनता है इनसाइड द थोरिक कैविटी एयर ड्रॉन इनटू द लंग्स अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस में प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है ठीक है मतलब प्लस में है प्रेशर तो ये जो एयर है वो अंदर जाएगा ठीक है नॉर्मल सा प्रोसेस है सो डायग्राम डायफ्राम इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व व्हिच अराइज़िंग फ्रॉम द सर्वाइकल फैलेक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल पैनल सेगमेंट डेट इज ऑफ दी थ्री सी थ्री टू थ्री थ्री फाइव ओके नोट कर लीजिएगा उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है आपका कि एसेसरी इंस्परेटरी मसल जो होती हैं इज यूज ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग ठीक है और दे आर फोर थ्री टाइप्स ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है ये यहाँ में है स्कैलिन का एक है रेस फर्स्ट टू रीप्स ओके बट आगे आगे बढ़ते हैं और वह है आपका एक्सपारेशन और एक्सलनेशन ठीक है ब्रीदिंग आप सांस बाहर छोड़ना और सांस बाहर अंदर लेना तो एक्सपरेशन और सांस बाहर लेना एक्सेलेशन ठीक है यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती है नोट कर लीजिएगा इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी प्राइमरी एक्सपेटरी मसल्स नील होती हैं यहाँ पे कोई नहीं लगती हैं ओके नील होती हैं और फिर एसेसरी एक्सपेटरी मसल एबडामन मसल लगती हैं यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल जो आपकी मसल्स होती हैं जो ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपरेशन ठीक है और इन्हीं की वजह से जब डाइग्राम व्हेन इंस्पिरेटरी मसल रिलैक्स द डाइग्राम मूव इन सुपरफिक बिकम डोम शेप बन जाता है और जो रिब्स होती हैं वो डिप्रेस हो जाती inward, है इनवर्ड ठीक है अंध त्र जाती है ठीक है एंड इनवर्ड विच कॉसिस डिक्रीज इन द डायमेंशन डायमेंशन डिक्रीज होगा किसका डाइग्राम का ऑफ द विरिक कैविटी ठीक है लिस्ट टू तो डिक्रीज इन कैविटी कैटेग सेप को भी डैमेज मतलब रिड्यूस करता है इंक्रीज इन द प्रशर इन साइड कैविटी अबाउट प्लस में हो जाता है ठीक है ड्यू टू तो इंक्रीज इन प्रेशर इन साइड द कैविटी एयर इज एक्सल आउट हाँ। अब इसका भी सेम है अब मान लीजिए यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया ठीक है ठीक है यहाँ प्रेशर ज़्यादा है आपका तो ये कहाँ जाएगा बॉडी के बाहर ही जाएगा ना नॉर्मल सी चीज़ है ठीक है तो यह था आपका पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस मैंने आपको शॉर्ट वे में समझा दिया अब ये आपका है पेफ्ट प्लूमलरी लंग फंक्शन टेस्ट ठीक है तो इसको डिस्कस करते हैं कि ये कि किस लिए किया जाता है इट इज़ यू टू इवेल्यूट द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि आप कितना प्रॉपर सांस ले रहे हैं नहीं रहे हैं इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है ठीक है इसके लिए रेस्पिरोमीटर और स्पाइरोमीटर यूज़ किया जाता है ठीक है पेफ्ट कैरिड आउट बाय मेजरिंग लंग वॉल्यूम वॉली लंग कैपेसिटी लंग की वॉल्यूम को लंग की कैपेसिटी को मेजर करते हैं ठीक है लंग वॉल्यूम जो होता है उसको कैसे मेजर करते हैं वो जो होता है आपका पहला है आपका फोर लंग वॉल्यूम होता है एक टाइडल वॉल्यूम होता है एक इंस्पिटरी रिजर्व वॉलीम होता है एक एक्सपरेटरी रिजर्व वॉलीम होता है एक रेसिडल वॉलीम uh, होता है तो अभी चारों को ब्रीफ में देख लेते हैं टाइटल जो वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट इन द लंग इज क्वाइट इन क्वाइट रेस्परेशन जब नॉर्मल सांस लेते हुए तब तो कितना अंदर बाहर आपकी एयर जा रहा है उस वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं और वो नॉर्मल वॉल्यूम होती है फिफ्टी फाइव हंड्रेड एम एल ठीक है मीनूट वेंटिलेशन और प्रीमिनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू ब्रीथ पर मिनिट डेट इज बी पी एम एंड टाइडल वॉल्यूम ठीक है टाइडल वॉल्यूम कितना नॉर्मल आपका रहा वो फाइव हंड्रेड ठीक है नॉर्मल ब्रिथ पर मिनट कितना होता है बारह है यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए तो वो हो गया आपका छः हज़ार एम ठीक है और एलवीलो वेंटिलेशन कितना होता है बी पी इन टू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस डेड स्पेस कितना था वन ठीक है टाइडल वॉल्यूम कितना है आपका टाइडल वॉल्यूम आपका फाइव और आपका बी जो है वो ट्वेल्व है तो आपका आंसर इसका आ गया आपका अराउंड 4200 ml mm, ठीक है अब इस इस आगे बढ़ते हैं उस आगे है आपका इंस्प, आ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वालीम नॉर्मल रेंज में अगर द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम को आई आर वी कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि अराउंड नॉर्मल रेंज में वो जो होता है आपका वो होता है थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ठीक है और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है दैट इज ई आर वी वो नॉर्मल रेंज में वन थाउजेंड होता है जो कि अमाउंट ऑफ एयर कैन नॉट बी Uh, that कैन बी एक्सपायर्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर द नॉर्मल expiration जो कि जैसे हम मानिए जब नॉर्मल सांस ली अंदर उसके बाद भी कितना सांस अंदर ले सकते हैं तो उसको हम कहते हैं आई वी आर और ई वी आर जो होता है कि आप एक बार सांस छोड़ दिए हैं तो बाद कितना ज़बरदस्ती मतलब सांस को बाहर मतलब एयर को एक्सेल कर सकते हैं तो उसको कहते हैं ई आर वी और यह है आपका रेसिडल वॉल्यूम दट इज आर वी अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर इवन आफ्टर द इज आर वी मतलब जो भी सांस छोड़ने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच गया उसे कहते हैं आर वी द एयर इज़ इसशियल फॉर द कंटिन्यूस गैस एक्सचेंज एंड कैप कीप द एल ओपन तो इसका फंक्शन ये होता है कि अगर सांस हमने बाहर छोड़ दी है तो कुछ अमाउंट ऑफ रिजर्व होना चाहिए रेसिड्यूल्ड होना चाहिए जो कि फर्दर प्रोसेस को कैरी आउट करते रह रहा है तब तब तक कि जब तक हम सांस अंदर ले हैं इसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है वॉल्यूम होता है या वैल्यू होता है वो अराउंड ट्वेंट ट्वेल्व हंड्रेड एम एल होता है ठीक है तो ये था आपका पूरा इन ठीक है लंग कैपेसिटी के चार लंग कैपेसिटी होते हैं ठीक है इसको ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं तो लंग कैपेसिटी का फंक्शनल कैपेसिटी होता है एफ आर सी और एक होता है इंस्परेटरी कैपेसिटी देखिए आई सी ठीक है आई सी का वॉल्यूम वॉल्यूम होता है अराउंड थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड और इसका एफ़ आर सी का टू थाउजेंड सॉरी ट्वेंटी टू हंड्रेड एम एल होता है और वेट वर्ल कैपेसिटी जो होती है इज अ फोर्सड Vital is of the more होता है उसके बाद आपका आता है विटल कैपेसिटी कैपैसिटी मैंने बता दिया ठीक है टोटल रंग कैपेसिटी जो होता है टी एल सी होता है टी एल सी इज इक्वल टू टी वी इज इक्वल टू टी वी प्लस आई आर वी प्लस ई वी आर प्लस आर वी जिसकी वॉल्यूम वॉल्यूम uh, होती है अराउंड सिक्स थाउजेंड और जो आपका ऊपर वाला पार्ट था दैट वाज टाइट आई थिंक विट कैपेसिटी उसका होता है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एम ओके तो ये नोट करके कर रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्सिंग के एग्जामिनेशन में ठीक है आगे बढ़ते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमिनरी डिसीज सी ओ पी डी ठीक है इसको हम डिस्कस uh, करते हैं इट इज़ कॉल्ड एस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज सी ओ एल डी और क्रॉनिक एयरफ्लो इन्फ्लमेशन सी एयर ठीक है उसका अदर नेम से जो ये है वो ये हैं इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय द क्रॉनिक एंड रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो जिस प्रोसेस में चाहे जिस डिसीज में रिस्ट्रिक्शन किसको मिलता है एयर फ्लो को तो उसको कहते हैं सी ओ पी डी ठीक है सी ओ पी डी इंक्लूड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइट्स एंड इम्फाइसीमा ओके क्रॉनिक ब्रोंक किटिक्स एंड अस्थेमेटिक ब्रोंकिटिक्स ठीक है ब्रोंकेटिक्स तो ब्रोंकाइटिक मीन्स क्रॉनिक डायलेशन ऑफ ब्रोंकाइस डैट इज ब्रोंकि यूजली इन द लोअर पोर्शन ऑफ द लंग्स तो ब्रोंकाई टेस्टिक जो होता है एक ऐसे टाइप का आपका डिजीज हो जाता है क्रॉनिक डायलेशन हो जाता है ब्रोंकाइस का तो उसमें क्या होता है लोअर पार्ट में होता है कॉज बाय द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके, आपके लंग्स में हो गया तो ये पर्टिकुलर चीज़ होती है ड्यू टू सी पी ओ डी वॉल्यूम ऑफ द एयर फ्लो इन टू लंग डिक्रीज एंड एयर वे रजिस्टें इंक्रीजेस अगर एयर फ्लो का वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या होगा एयर वे रजिस्टेंस बढ़ेगा एंड इट इज द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ ऑफ्टर द हार्ट अटैक कैंसर एंड सी वी ए फोर्थ मेजर कॉज है डेथ का ठीक है अब इसमें रिक्स फैक्टर क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं ऑकोपेशनल एक्सपोजर टू द डस्ट एंड गैसेज स्मोकिंग होता है सिगरेट पी रहे हैं आप एजिंग हेरिडेटरी और एयर पोल्यूशन ठीक है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक निमोनिया तो ये था फैक्टर ठीक है अब क्लिनिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं क्लिनिकल मैनेजमेंट ठीक है उसको डिस्कस कर लेते हैं ठीक है उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है कि वो बैरल चेस्ट ड्यू टू इंफाइसिमा देखते हैं परमानेंट ओवर डिस्टेंशन ऑफ द एय स्पेस थर्टी का ठीक है Use of the accessory muscle for the normal breathing. Okay. Orthopia, low bud uh, low breathing that occurs when lying flat and improved when standing or sitting up. Okay. Whistling due to narrowing of the, of the airways, okay. crackle or rare rail, rail that is abnormal lungs sound produced when air passes over retained airway sections or sinosis, grubbing of the finger, proliferation of the soft tissue at the end of the finger. ये कुछ क्लिनिकल मैनेजमेंट है सीएम है और पेफ्ट शोस डिक्रीज विपेसिटी जो हमने डिस्कस किया प्रो लॉन्ग एक्सपायरेशन है वेट लॉस हो जाता है आपका प्रोमोनेल्स दैट इज हाइपो थेरप्रॉफी फेलियर ऑफ द राइट वर्ंटिकल ड्यू टू तो द डिसऑर्डर ऑफ द लंग लाइकअप तो हाइपर टेंशन की वजह से होता है डायग्नोसिस कैसे करते हैं ब्राइंकोस्कोपी करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ ब्राइम थ्रू द ब्राइंकोस्कोप से किया जाता है ठीक है उसके बाद कैनोग्राफी होती है कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड एक्सेल ठीक है ये भी एक प्रोसेस डायग्नोस प्रोसेस है फिर एक होता है ई बी जी डैट इज आर टी गैस ब्लड गैस ठीक एनालिसिस किया जाता है इसमें क्या देखा जाता है कि रेस्पिटरी एसिडोसिस कितनी होती है ठीक है इसमें ए बी जी इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ लेवल ऑफ पी एच ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाई कार्बोनेट आट इज सी एच ओ थ्री माइनस सोडियम सोडियम पोटेशियम एंड क्लोलाइड इन दी ब्लड ये चीज़ें टेस्ट की जाती हैं और पूरा एनालाइज किया जाता है ठीक है अब इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल वैल्यू वैल्यू ऑफ ए बी जी जो होता है वो कितना होता है पी जी एस का जो होता है वो हो होता है अराउंड सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव और बाई uh, कार्बोनेट uh, का होता है ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी सेवन मिली इक्वल पर लीटर और ओटू का सेचुरेशन में जो होता है प्रेजेंट वो नाइन्टी सिक्स टू हंड्रेड परसेंट के आसपास होता है और कुछ जो बाकी नॉर्मल वैल्यूस यहाँ पे मैंशनड है आप इसको देख लीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं एल एन टेस्ट और साइड टेस्ट यूज टू तो एवेट एफिशंसी ऑफ अर आर्टरीज दैट इज रेडियल ल्यूनार और हैंड बिफोर द आर्टरी पंचर ऑफ द ए बी सी तो इसको एल टेस्ट कहते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स कैसे होते हैं तो जो टाइप्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होते हैं तो इसमें क्या होता है डिक्रीज पी एच होता है अराउंड बिलो दैट इज़ अराउंड सेवन पॉइंट थ्री फाइव एंड इंक्रीज पी सी ओ टू दैट इज अबो फोर्टी फाइव एम ऑफ एच जी ठीक है कॉज क्या होता है हाइपो वेंटिलेशन होता है रिटेंशन ऑफ सी ओ टू इन टू द ब्लड एंड टिश्यू इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ठीक है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस क्या होता है इंक्रीज पी एच अबो सेवन पॉइंट फोर फाइव एंड डिक्रीज़ पी ओ सी पी ए सी ओ टू दैट इज़ बिलो थर्टी फाइव एम 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 ऑफ एच जी इससे क्या होता है हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है ओके मेटाबोलिक एसिडोसिस क्या होता है डिक्रीज पी एच जो कि पी एच होता है बिलो थ्री पॉइंट सेवन फाइव थ्री सॉरी सेवन पॉइंट थ्री फाइव एंड डिक्रीज बाई कार्बोनेट जो कॉन्सनट्रेशन बिलो ट्वेंटी टू मिली मिलीकोल पर लीटर ठीक है कॉस्ट क्या करता है सीवियर डायरिया कर देगा डी ए कर देगा देग डायबिटिक कैटो एसिडोसिस कर देता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ एस्पिरिन की वजह से हो जाता है मेटाबॉलिक एल्कोलसिस मतलब कि पी पीएच जो होगा इंक्रीज हो जाए कितने से सेवन पॉइंट फोर फाइव से ऊपर हो जाएगा इंक्रीज़ कर देगा क्या बाई का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकता है दट इज अबो आपके ट्वेंटी सेवन ठीक है कॉस्ट क्या करेगा वोमिटिंग आने लगी उल्टी होगी आपको एक्सेसरी यूज ऑफ डायोरेटिक एंड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ एल एंड टेस्ट उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ सी पी ओ डी कैसे करते हैं तो मैनेजमेंट देखिए कैसे करता किया जाता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो एडमिनिस्टर्ड ओ टू लेवल एट लो कॉन्सनट्रेशन ठीक है बिकॉज ऑफ हाई पोसिया कॉजेस इंक्रीज ब्रीथिंग ड्रे ठीक है गिव सी पी टी जेस्ट फिजियोथेरेपी को दिया जाता है ठीक है बेस्ट टाइम फॉर सी पी टी इज मॉनिटरिंग वन ऑनआर बिफोर मील और टू आवर आफ्टर मील ठीक है सिक्रिटी इज कम्बाइंड ऑफ द पॉस्चरल ड्रेनेज ड्रज पोजिशन सजेस्ट ड्रेन सेगमेंट ऑफ द लंग वुड बी अपर मोस्ट ठीक है इनकरेज क्लाइंट टू हाई कैलोरी हाई प्रोटीन स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग टू द प्रीम डाइसफिया ठीक है ये हो गया आपका इनकरेज फ्लू टेक अप टू थ्री लीटर पर डे टू कीप सीग्रेशन थिंक ओके एंड एडवाइज पेशंट टू एबडोमल पर्स लिप ब्रीथिंग टेक्निक एक टेक्निक है जिसको परफॉर्म किया जाता है ठीक है एबडोनल डाइफ्रेमेटिक रेस्परेशन मीन्स रेस्परेशन इन विच मेनली डाइफग्राम एक्सर्ट इट वाइल दी चेस्ट वॉल मसल्स आर नियरली एट रेस्ट ठीक है एक एबडोनल डाइफ्रोमेटिक रेस्परेशन प्रोसेस जो है को फॉलो कराता है इट इज़ यूज नॉर्मली ब्रीथिंग एंड इन पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज पेरिकार्डेटिक्स एंड रिफ्रैक्चर प्लूमेसी गीवन हाई फ्लोर सिक्सटी डिग्री अबो पोजिशन विथ लीनिंग फॉरवर्ड टू द एड इन दी ब्रीदिंग ओके एडमिस्टेड ड्रग लाइक कॉर्टिकॉर्स्टरॉयस टू डिक्रीज इन्फ्लमेशन ऑफ द रेस्परेटरी ट्रैक एग्जाम्पल बिग कॉलमिंथ एंड प्योडसोनाइड ओके ये कुछ ड्रग्स को दिए जाते हैं और फिर माइकोलाइटिक्स टू द थिन सिक्रेशन एग्जाम्पल एसिटल एसीटेलाइन सिस्टीन इज यूज टू एज एन एंटी डो फोर ऑफ एस एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल फिर हो गया ब्रोंग डाइलेटर टू डाइलेट ब्रोंका का एग्जाम्पल एमिनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन टर्वटेलाइन एंड जमेंट ऑफ दी सी ओ पी डी ओके और आगे बढ़ते हैं अब तो वह आपका पेलुरल इन्फ्यूजन ठीक है तो ये क्या होता है एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ दैलुरल फ्लूड ठीक है इन दैरुलर स्पेस इज कॉल्ड एज पेलुरल इन्फ्यूजन डेट इज नॉर्मल पेरुफरल जो फ्लूड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है अराउंड आपकी जीरो पॉइंट फाइव टू मिली पर के जी और बॉडी वेट ओके एनी कंडीशन डेट इंटरफेयर विद दिक्रेशन और ड्रेनेज ऑफ़ फ्लूड लीड्स टू दी पेरूफुलर इन्फ्यूजन ओके तो टाइप बेस्ड ऑन द इटोलॉजी ओके तो ट्रांसडक्टिव पैरुलर इन्फ्यूजन होता है जिस फ्लूड विद लो प्रोटीन कंटेंट यूजली ऑकर एक मिनट ठीक है तो इसी में अब आपका इटोलॉजी है तो इटोलॉजी क्या बताता है ट्रांसडक्टिव पेरिफुल इन्फ्लूजन जो होता है फ्लूड विद द लो प्रोटीन कंटेंट यूजली ऑकर इन द नॉन इन्फ्लोमेटरी कंडीशन लाइक एच एफ डेट इज एंड इन लीवर एंड रेंगर डिसीज डक्टिव पेलोरल इन्फ्लूजन फ्लूड विद द हाई प्रोटीन सेल्स एंड सॉलिड डरबिस पस इट्स यूजली ऑकर ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इन इन्फ्लमेटरी कंडीशन लाइकरी इन्फेक्शन ओके अब इसके अगर सीम सी एम देखे जाए तो होता है पैरू पैरूलिया डेट इज पेन इन द प्लूरा दट इंक्रीज विद द एस्पिरेशन ओके और होता है मीडिया मीडिया शिफ्ट ऑफ लंग्स इफ इन्फ्लूजन इज मोर देन टू फिफ्टी एम एल डिक्रीज ब्रीथ साउंड ठीक है डायग्नोसिस कैसे करते हैं इट हैज़ बीन सीन ऑन द चेस्ट डाइफग्राम इफ इट एक्सीड्स थ्री हंड्रेड एम एल ओके मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना होता है तो मैनेजमेंट अगर उसका देखा जाए तो होता है कि प्रोवाइड हाई फ्लोर पोजिशन ओके इन इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग किया जाता है प्रिपेयर द पेशेंट टू थोरोसेंटिसिस रिमूवल ऑफ द फ्लूड और एयर फ्रॉम द पेरुलर स्पेस बाय द नीडल इंकरेज किया जाता है पेशेंट को बनाया मतलब ऑपरेशन ऑपरेट किया जाता है द साइट ऑफ द थोरोसेंटिक इन दैरू पेरुलर इन्फ्लूजन इज बिटवीन सेवंथ एंड एट्थ रीप बेस्ड ऑन द एक्सरे इमेजिनेशन ठीक है और यूजली अराउंड वन थाउजेंड टू वन हंड्रेड वन थाउजेंड टू हंड्रेड एम एल पेरिफुलर पेरुलर फ्लूड रिमूट एट वन टाइम ओके सो दिस इज वॉट वी डिस्कस इसके बारे में ठीक है अब देखते हैं फिनोब थ्रॉस ठीक है तो एबसेंस ऑफ एयर इन द पेरुलर स्पेस को कहा जाता है फिनोब थ्रॉस ठीक है द इंटर द इंटरा पेरुलर स्पेस बिकम पॉजिटिव विच इज नेगेटिव डेट इज ऑफ़ फोर एम एम ऑफ एच जी एंड कॉलेप्स ऑफ दी लंग्स ठीक है कॉज क्या होता है फेल चेस्ट इसका कारण क्या होता है तो कारण इसका होता है फेल चेस्ट फेल चेस्ट क्या होता है ब्लंट चेस्ट ट्रामा कॉज टू और मोर री एट एट लीस्ट टू प्लेस ठीक है द फेल चेस्ट कॉज पैराडॉक्सियल रेस्परेशन ठीक है इसमें क्या होता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेगमेंट होता है ऑफ द थॉरिस्ट ड्यूरिंग द एंड आउटवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सपाशन अब टाइप्स कितने होते हैं इसके तो टाइप्स देख लेते हैं हम इसके टाइप्स होते हैं इसके बेसिकली तीन ठीक है कौन कौन से एक ओपन फिनोथोरेक्स होता है एक क्लोज फिनोथोरेक्स होता है एक टेंशन फिनोथोरेक्स होता है तो एक ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द फोरल कैविटी एंड एक्सटीरियर एंड एयर एंटर डरिंग द इंस्पायशन एंड कम आउट ऑफ द एक्सपायरेशन ठीक है हो गया ओपन वाला फिर क्लोज वाले में क्या होता है क्लोज में जो एयर एंटर इंटू द प्यल कैविटी एंड देन द होल इज क्लोज इन द मिड एंड कॉल डेस्ट क्लोज ओकेशन फिनोम ऑफ फिनोम एयर कैन एंटर द प्लूरल स्पेस बट कैन नॉट स्केप बाय द रूट ऑफ द एंट्री आ तो जाता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता तो उसको कहते हैं टेंशन वाला मॉल ठीक है द स्पेशल होल फॉर्म विच परमिट द एंट्रेंस ऑफ द एयर इंटू प्लूरल कैविटी ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन But prevent exist of the air during the expiration. So this is the uh, process. Okay. This condition is very fatal because it causes collapse of the whole lung bahut uh, hi matlab fatal bahut hi dangerous होता ही है क्योंकि से lung lung का collapse हो सकता है जिसके वजह से death भी हो सकती है. ठीक है. अब आगे देखते हैं cm देखते हैं इसका cm इसमें क्या होता है absent breathe sound of affected ठीक है इसमें क्या होता है कि एबसेंट ब्रीथ साउंड ऑन द अफेक्टेड साइड जिस साइड में अफेक्टेड है वहां पे ब्रीथिंग का जो साउंड वो नहीं आएगा हाइपर टेंशन एंडरिया हो जाता है ठीक है साफ चेस्ट पेन आती है विथ इंक्रीज द कफिंग डीप ब्रीथिंग एंड मूवमेंट हो जाता है ट्रेकिल डेविएशन ऑफ टू अनफेक्टेड साइड हो जाता है ठीक है अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है डायग्नोसिस एक्सरे के द्वारा कन्फर्म किया जाता है रिव्यूलिंग द एयर इन द्यूनरल स्पेस ओके मैनेजमेंट कैसे करना होता है इसका मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है कि इसमें क्या होता है जो पेशेंट होता है जो होते हैं द पेशेंट कंडीशन वर्सन और इफ द मोर देन फिफ्टीन परसेंट ऑफ द लंग इसको लैब दैन थोरोस्टोमी ट्यूब मे बी प्लीस्ड इंटरनली इन द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एंड अटैच टेस्ट यूनिट ठीक है तो ये एक मेडिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा इसको मतलब टिट किया जाता है चाहे मैनेज किया जाता है इफ द फ्लूड इज प्रेजेंट इन द प्यूरल स्पेस थर्टिक टूब इज प्लेस इन द फिफ्थ एंड सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस मोर पोस्टल टू ड्रेन इसको पानी को बाहर निकालना जाना जाता है ठीक है अब आगे देखते हैं इम्फाइमा इम्फाइमा क्या होता है कलेक्शन ऑफ द पस ठीक है इम्फाइमा इज द कलेक्शन ऑफ द पस ओके थिक ओपेक फ्लोल स्मेलिंग लिक्विड इन द प्यर स्पेस कॉल्डेज इनफाइमा कॉज क्या होता है इसका भाई कॉज होता है प्लीमरी इन्फेक्शन लंग सर्जरी और ट्रामा और सी एम क्या होता है तो भाई इसका होता है चेस्ट पेन होता है वेट लॉस हो जाएगा आपका कफ होगा फीवर बिजील होगा इन्जोरिया होगा नाइट स्वेट होंगे ठीक है अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है भाई मैनेजमेंट इसका होता है कि गीव क्या दिया जाएगा भाई आपको इसमें आपको दिया जाएगा कि भाई फ्लोरे पोजिशन टू तो पेशेंट इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई जाएगी आपको असिस्ट टू द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन टू तो प्रमोट ऑफ लंग एक्सपायरेशन ठीक है तो ये था आपका पूरा इम्फाइमा के बारे में आगे देखते हैं रेस्पेरेटरी फेलियर के बारे में देख लेते हैं तो रेस्पेरेटरी फेलियर क्या होता है रेस्पेरेट्री फेलियर इन एबिलिटी ऑफ पर्सन टू एलिमिनेट सी एलिमिनेट्समेल वो ठीक है और रेस्पेरेटरी फेलियर इज डिस्क्राइब्ड एज अ पी ए पी ओ पी ओ टू पी ओ टू ऑफ सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी और लेस दैन पी ओ पी ओ सी ओ टू ऑफ फिफ्टी एम एम ऑफ ऑफ एच जी और ग्रेटर दैन अ क्लाइंट इसमें कॉज क्या होता है कॉज इसका होता है डिफ डिफेट इन द रेस्पिटरी रेगुलेटरिंग सेंटर इन द ब्रेन ठीक है डिफेक्ट इन द रेस्पिटरी रेगुलेटरिंग सेंटर इन द ब्रेन डिफेक्ट इन द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स या तो मसल्स में इशू आ जाए या तो फिर आपके रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन में हो जाए मैनेजमेंट कैसे होता है इसका तो मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ केसेस में पेशेंट को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है ठीक है उसके बाद क्या होता है कि इंटूविशन इन, इन, जो होता है वो होता है एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाता है जिसमें कि पेशेंट नीड्स के नॉट ऑक्सीजनेट एंड वेंटिलेट एक्टिविटली डेट इज इफ कार्बन डाइऑक्शन डिटेंशन ऑकड़ तो वेंटिलेशन दिया जाता है और मैकेनिकली भी दिया जाता है वो ठीक है अदर ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग कॉज ऑफ दिस रेस्परेटरी फेलियर ठीक है अगर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आपको उसमें दिक्कत हो रही है तो उसके हिसाब से मेडिकल मैनेजमेंट डिफर करता है तो अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं अस्थमा जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो अस्थमा जो होता है इट इज अ डिसीज कॉज बाय इंक्रीज रिस्पॉन्सिव ऑफ ब्रोंकल ट्री टू द वेरियस टूम विच रिजल्ट इन एपिसोडिक नविंग एंड इन्फ्लोमेशन ऑफ द एयरवे ओके सो बेस्ड इटोलॉजी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अस्थमा एलर्जिक अस्थमा नॉन एलर्जिक अस्थमा एंड मिक्सड अस्थमा एलर्जिक जो एलर्जिक अस्थमा होता है वो ई जी ई इमीडिएटेड अस्थमा होता है एस्ट्रिंक अस्थमा भी इसे कहते हैं सिम्टम so, जो कॉस पाती हाइपर रिस्पॉन्सिव टू द सर्टन इरिटेंट्स और एलर्जेंट्स लाइक स्मोक डस्ट पॉल्यूटेंट कोल्ड हीट एनिमल ग्रास स्ट्रोंग ऑर्डर और परफ्यूम तो ये होता है आपका आई जी ई अस्थमा और इमीडिएटेड अस्थमा जो कि एक पर्टिकुलर एलर्जन से होता है कि प्रोड्यूस हैं है और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर इन लाइक रेस्पेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से हो सकते हैं इमोशन और एक्साइटमेंट से, से हो सकता है एक्सरसाइज से हो सकता है ड्रग से हो सकता है ठीक है तो इसको हम कहते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा सॉरी फिर मिक्स अस्थमा क्या होता है दोनों से होता है एलर्जिक और नॉन एलर्जिक से होता है ठीक है अब इसमें तो सी क्या होता है आपका भाई सी देख लेते हैं इसमें हम किसमें सी क्या होते हैं ठीक है तो होता है कि इसमें एपिसोडिक सॉरी एपिसोडिक विजनिंग नहीं होती है चेस्ट टाइटनेस हो जाती है सॉफ्टनेस आ, और ब्रीथ हो जाती है कफ हो जाता है एट नाइट इन अर्ली मॉर्निंग हो जाता है फिर ठीक है आ, उसमें स्वेटिंग होती है रेस्टनेस होती है एक्सेसिव यूज ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स हो जाते हैं एस, स्टेटस एस्थेमेटिक्स हो जाता है उसमें रिजिस्टेंट टू द इन ट्रैकेबल अस्थमा ठीक है इसमें डायग्नोसिस कैसे किया जाता है भाई डायग्नोसिस इसका होता है स्पेक्टम की एलर्जिक इन द एलर्जिक अस्थमा इज़ क्लियर जो स्पेक्टम होता है आपका ठीक है अगर फोर्थली एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा इट इज़ थिक एंड वाइट तो ये आपका दो डिफ्रेंशिएशन सीधे सीधे बता देते हैं कि एलर्जिक है कि नॉन एलर्जिक है फिर एक होता है रास्ट दैट इज रेडियो एलर्जिक अब्जॉर्बजेंट टेस्ट हो जा किया जाता है इसमें क्या होता है कि ब्लड टेस्ट यूज होते हैं आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एलर्जन स्किन टेस्टिंग भी की जाती है तो टू स्पेसिफाई द स्पेसिफिक एलर्जेंस ठीक है मैनेजमेंट होता है इसमें सी सी एस सी पी ओ डी जो हमने अब वो बताया था आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा ठीक है तो ये सब पूरा जो हमने डिस्कस किया है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और उनके पार्ट्स के बारे में और उससे जो उस उसमें जो डिसीज होती हैं तो वो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है ये नोट्स आप मेक कर लीजिएगा डायग्राम जो दिए हैं उसको नोट कर लीजिएगा और प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जो कि रिविजन के टाइम में काम आए और आपको फर्दर एग्जाम टाइम में हेल्प करें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल दी बेस्ट ठीक है फॉर दी फर्दर लेक्चर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो